नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जो है शुभम बर्थडे टेक। तो आज कंपैरिजन करने वाले हम दो वायरलेस चार्जर, जो कि दोनों चार्जर सैमसंग की तरफ से है, और देखने वालों कौन सा अच्छा है, नए इसमें क्या चेंजेस है, नया इतना बल्की क्यों है, पुराना वाला इतना कॉम्पैक्ट क्यों है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू के बारे में कि बिल्ड क्वालिटी पहले की अच्छी है क्या नए वाले की अच्छी है। तो पहले की बिल्ड क्वालिटी आता है एक फाइबर ग्लास और जिसपे एक सैमसंग की ब्रांडिंग और एक रबर जो कि हमारा फोन यहाँ से ग्रिप पकड़ सके। तो इस चार्जर में हम देख सकते हैं यहाँ हमें मिलता है नो सैमसंग ब्रांडिंग, एक फास्ट चार्ज लिखा हुआ मिलता है हमें, और लेदर का है पूरा ऊपर का सरफेस लेदर का है और काफी ग्रिप और स्पॉन्जी सरफेस है थोड़ा, जैसे आप प्रेस करके इसे फील कर सकते हैं कि ये थोड़ा स्पॉन्जी है। जैसे कि हम यह देख सकते हैं पीछे की साइड, ये जो फर्स्ट चार्जर है वो 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का है जिसका आउटपुट काफी कम है, मतलब एक स्टैंडर्ड चार्जर है, एक फास्ट चार्जर नहीं है। नॉर्मल सा डिसेंट फोन को चार्ज होने में तकरीबन 1 आवर 50 मिनट्स 1 आवर 45 मिनट लगते है इस चार्जर की मदद से। और यहाँ हमें मिलता है एक माइक्रो एसबी स्लॉट जो कि इस वायरलेस चार्जर को सप्लाई देता है। तो बाकी पीछे तो कुछ नहीं है, एक रबर का बिल्ट यहाँ मिलता है हमें और यहाँ कोई वेंट्स वगैरह नहीं है। चलिए नए चार्जर की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि नए चार्जर में क्या चेंजेस है। तो जैसे कि हम आप एक मेजर चेंज देख सकते हैं इस चार्जर में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें वेंट्स दिए गए दोनों साइड को चार्जर के। ये वेंट्स का यूज काफी डिसेंट यूज है। इस वेंट से क्या होता है, जो हम फोन चार्जिंग को लगाते हैं चार्जर गर्म नहीं होता और हमारा फोन भी गर्म नहीं होता, ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है क्योंकि इस चार्जर में फोन गर्म होने की संभावना है क्योंकि इस चार्जर को कोई वेंट्स वगैरह नहीं है। और अगर आप हाई टेम्परेचर में है समर में तो फोन आपका गर्म होकर स्लो चार्ज हो सकता है, इसलिए इस चार्जर में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वेंट्स दिए गए हैं, इसमें चार्जिंग स्लो होने वाली नहीं, एक्चुअली एक फास्ट चार्जर है। मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इसका आउटपुट देखते हैं ये दोनों पे वर्क करता है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर जो हमारा पुराना चार्जर करता है और 9 वोल्ट 1.67 एम्पीयर। तो 1.67 एम्पीयर एक कम है थोड़ा, हम वायर से डायरेक्ट फोन को चार्ज करते हैं तो हमें मिलता है 9 वोल्ट 2 एम्पीयर, तो भी अच्छा है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो जैसे कि आप यह देख सकते हैं ये दोनों चार्जर फ्लैट है, जो कि सैमसंग ने जो चार्जर लॉन्च किया था इसमें दो वेरिएंट्स थे, एक फ्लैट वेरिएंट और एक पैड स्टैंड टाइप वेरिएंट। तो ये एक फ्लैट वेरिएंट है और ये भी एक फ्लैट वेरिएंट है, पर इसमें एक खासियत है क्योंकि ये हम स्टैंड में कन्वर्टेबल कर सकते हैं, कन्वर्टेबल है, हमें इसे स्लाइड करके ऊपर लेना है। जैसे कि आप यह देख सकते हैं एक स्टैंड ओपन गया, स्टैंड चार्जर, और इसमें वो वेरिएंट हमें अलग से खरीदना पड़ता था, उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा थी, पर इस नए चार्जर में हमें दोनों कन्वर्टेबल मिल जाते हैं। क्या आप यार डेस्क पे हो तो ये ठीक है, अगर आपका डेस्क से दूर हो आपको फ़ोन किसका है क्या पता चल रहा है तो आप स्टैंड पे फ़ोन को चार्ज लगा सकते हैं। इसका मेन यूज़ ये भी है, अगर हम फ़ोन उसको ऐसे रख देते हैं तो भी ये फ़ोन चार्ज होने वाला है, अगर आप कोई मूवी देख रहे कुछ देख रहे और ऐसे देखते हैं तो भी वो चार्ज होने वाला है। तो इस पुराने चार्जर में हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलती थी, मिलती थी पर उसके लिए कुछ ज़्यादा पे करना था। तो दोनों की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 3000 में, ये लॉन्च हुआ है समथिंग 4499 रुपीज, तकरीबन 4500 रुपये का ये चार्जर है। तो अगर आप ये चार्जर खरीदना चाहते हैं आप सैमसंग शॉप से, ये चार्जर अभी अवेलेबल है 4499 को, और इसका मैंने प्राइस नहीं चेक किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे फोन की बैटरी है 44%। अभी हम इस फोन को दोनों वायरलेस चार्जर पे रख के टेस्ट करते हैं ये फोन फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो पहले हम शुरू करते हैं पुराने वायरलेस चार्जर के साथ, ये रहा पुराना वायरलेस चार्जर, इसे रखा और इसे सप्लाई के लिए मेरे पास ये है एडाप्टिव फास्ट चार्जिंग, और ये टाइप सी का है एडाप्टर, मैं निकाल लेता हूँ। तो ये थी इन कलरफुल एलईडी लाइट्स जो कि इस चार्जर में अवेलेबल है, इसको कनेक्ट कर दिया। तो चलिए इसको फोन रख के चेक करते हैं कितना टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। 44% चार्ज है मैंने जैसे आपको बताया,
रखा 43, ओके, जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ वायरलेस चार्जिंग हो रही है सैमसंग के पुराने चार्जर से, तो 44% से 100% कवर करने को हमें लग रहे हैं 1R44 में हिसाब। चलिए हम टेस्ट करते हैं इस चार्जर के साथ जो कि फास्ट चार्जर है और कंपेयर करके देखते हैं। ये पुराने चार्जर को रखते हैं साइड में, लेते हैं नया फास्ट चार्जर और इस पे टेस्ट करते हैं कि बैटरी फुल होने में 44% से कितना टाइम लगता है। पर ये चार्जर माइक्रो यूएसबी से कनेक्ट नहीं होने वाला, हमें लगेगा एक माइक्रो यूएसबी केबल और एक माइक्रो यूएसबी टू एक सी टाइप एडाप्टर। चलिए इसके एडाप्टर के इसको पावर सप्लाई कर देते हैं और चेक करते हैं कि इसमें चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। ये रखा फोन और ये हुई चार्जिंग चालू। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फोन फास्ट वायरलेस चार्जिंग पे लगा हुआ है और 44 से मेरे पुराने चार्जर में लगे थे 1 hour 44 minutes टाइम बता रहा था फोन फुल चार्ज होने में, और इस चार्जर में हमें बता रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 hour 39 minutes, मतलब टोटल 5 minutes का डिफरेंस पड़ा है इस चार्जर में और इस फास्ट चार्जर में। अगर आपको ये दोनों वायरलेस चार्जर का कंपैरिजन का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे ये वीडियो कैसा था, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो कि शुभम पाटिल टेक। थैंक यू।